हेलो गैस, फिर से एक नई वीडियो के साथ आईटेक पिंटू में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गैस, अगर आप कोई फ़ोन लोन पे परचेज करना चाहते हैं तो लोन पे परचेज करने के लिए, जैसे मान लो आपने फ्लिपकार्ट से परचेज करना चाहते हो या तो अमेजन से ही आप परचेज करना चाहते हो, तो वहाँ पे हमें क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होती है और सभी लोग के पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं होता है। तो गैस, इस स्थिति में मैं एक ऐसे जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ जो आप लोन पे किसी भी फ़ोन को ऑर्डर कर सकते हो और पा भी सकते हो। तो कहते इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। आपको क्रेडिट कार्ड की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। तो कहते इसके लिए आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा एंड तक। अगर चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोज हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। इसलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहते इसके लिए आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो गैस, आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा जाता हूँ अपने प्ले स्टोर के अंदर और यहाँ पे आपको आ जाना है और टाइप करना है स्नैप मिंट। तो मैं सिंपल सा स्नैप मिंट टाइप कर चुका हूँ। इसके बाद आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं डायरेक्टली इसे ओपन कर लेता हूँ। इससे पहले आपको ये बता दें कि 4.2 की इसकी रेटिंग है और 1 मिलियन डाउनलोड कंप्लीट हो चुके हैं। कहते तो ये एप्लीकेशन जो है बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल यहाँ से आपको मोबाइल ऑर्डर देखने को मिल जाएगा, वो भी EMI पे। तो सिंपल से क्या करना है, आपको ओपन पे क्लिक कर लेना है। तो जब आप ओपन पे क्लिक कर लोगे तो आपके सिस्टम से ये अलाउ मांगेगा, उसे परमिशन आपको दे देना है। देने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये लोकेशन आपको ऑन कर देना, ठीक है। आपको यहाँ भी इसको परमिशन देना होगा लोकेशन का, तो सिंपल सा इसे ओके कर लें। ओके करने के बाद ये लोकेशन आपसे कनेक्ट हो जाएगी। होने के बाद देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाहिए या तो आप कोई भी मोबाइल लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी का आपको मिल जाएगा जो भी आप फाइनेंस करवाना चाहते हैं। तो गाइस, जैसे कि मान लीजिए मुझे Redmi 9A का एक फ़ोन परचेज करना है, तो या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करके जो भी मोबाइल लेना चाहते हैं यहाँ पे सर्च करके भी ले सकते हैं, ठीक है। तो गैजर मैं आपको यहाँ पे EMI पे दिखाता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी। यहाँ पे मैं इस मोबाइल के ऊपर मैं टैप कर लेता हूँ। तो गैजर यहाँ पे टैप करने के बाद कुछ EMI के रिलेटेड कुछ डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। तो गैजर यहाँ पे देखिए तो सैमसंग गैलेक्सी के बारे में कुछ यहाँ पे 4/64 इसका रैम डोम है। इसके अलावा स्टोरेज देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं मोबाइल का, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे में देखें तो डाउन पेमेंट आपको 1250 रुपये इसमें डाउन पेमेंट करना अनिवार्य है। आप अगर चाहे तो 2500 भी डाउन पेमेंट कर सकते हैं, वो दोनों आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। और यहाँ पर देखें तो इसके कुछ फीचर्स हैं। अगर आप 3 मंथ के लिए EMI करवाना चाहते हैं तो आपको 3750 रुपये मंथली जमा करना होगा और 6 मंथ के लिए अगर करवाना चाहते हैं तो 2031 रुपये पर मंथ करना होगा। यदि आप 9 मंथ के लिए करवाना चाहते हैं तो 1467 रुपये आपको पर मंथ यहां पे जमा करना होगा। तो गाइस, ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से ही काटा जाएगा, आपको जमा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे कुछ डिटेल मोबाइल्स के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। तो गैजर यहाँ पे आपको क्या करना, सिंपल सा बाय पे क्लिक कर लेना है। तो अगर आप 3 महीने के लिए चाहिए, जैसे मुझे 3 महीने के लिए चाहिए, तो मैं सिंपल सा इसे क्या करता हूँ, बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें तो बाय ऑन 3 मंथ्स पे। इसके बाद आपको साइनिंग कर लेना है। तो गैजर अगर आपने पहले से भी इसका ID बना रखा है तो डायरेक्टली आप वो ID आप लॉगिन कर सकते हैं। तो गैजर मैं यहाँ से अपना ID एक बना लेता हूँ, ठीक है। तो गाइजर यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाल दिया। इसके बाद जो OTP है वो खुद से ये एक्सेस कर लेता है, ठीक है। OTP ये खुद से एक्सेस कर लिया है। इसके बाद आपको नीचे में देखे तो आपको एरो का निशान मिलेगा, सिंपल सा उस पर क्या करना होगा, आपको क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखे तो आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सिंपल सा आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। तो गैजर जब आप अपने मोबाइल से इसे ID क्रिएट कर लेते हैं तो सिंपल सा आपको इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में, ठीक है। तो वही सेम नेम आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है। लास्ट नेम अगर लिखते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। थर्ड में देखिए तो पैन नंबर आपको मांगा जाता है। जो भी आपका पैन नंबर है वो सिंपल सा यहाँ पे आपको टाइप करना होगा,
इसके अलावा देखिए तो ईमेल आईडी, आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद देखिए तो डेट ऑफ बर्थ, जो आपके आईडी में डेट ऑफ बर्थ है आपको वही सेम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी डालना होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो नीचे में आपको मिल जाएगा एरिया पिन कोड, यहाँ पे रेसिडेंस पिन कोड मांगा जा रहा है, तो आपके एरिया का जो भी पिन कोड है तो सिंपल सा आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। इसके बाद यहाँ पे जेंडर है तो जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन है, अगर आप में से कई बंदे का यहाँ पे कोई भी प्रोफेशन है तो आप यहाँ पे किसी तरीके से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सैलरीड है तो इसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या डिलीवरी स्टाफ है, ड्राइवर है, या तो सिक्योरिटी गार्ड है, तो यहाँ पे प्रोफेशन भी अपना चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक टिक का ऑप्शन मिलेगा बॉक्स का, सिंपल सा उस पर आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक कर लेना है। तो मैं सबसे पहले यह फॉर्म को फिलअप कर दे रहा हूँ। तो गाइस जब आप वो फाइनली फॉर्म को फिलअप करके नेक्स्ट कर दोगे तो यहाँ पे फिर से आपको इस पेज पे लाया जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, एक मोबाइल प्रोडक्ट को मैं ओपन करता हूँ। अगर आप जो भी लेना चाहते हैं, जो भी फ़ोन, तो आप सिंपल सा आपको सर्च करके करना है, ठीक है। इसके अलावा नीचे में आए तो यहाँ पे आपको देखे तो पहले सबसे पहले आपको इनकम पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनकम आपसे पूछा जाएगा कि आपका इनकम कितना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट बैंक का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट है। यहाँ पे जैसे मेरे पास अगर एक्सिस का है तो मैं सिंपल से एक्सिस पे क्लिक करता हूँ। इसके अलावा देखे तो यहाँ पे नेट बैंकिंग का यूज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद अपलोड बैंक स्टेटमेंट, अगर यहाँ से पीडीएफ आपको करना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे नेट बैंकिंग का है तो सिंपल सा नेट बैंकिंग का आपको ओटीपी देना होगा, ठीक है। तो अपलोड बैंक स्टेटमेंट पे मैं सिंपल से क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो एक्सिस बैंक का जो भी स्टेटमेंट होगी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद आई कन्फर्म पे सिंपल सा क्लिक करना होगा और अपलोड योर बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका फाइल जहाँ भी है सिंपल सा उस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो फाइल था वो चेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए द फाइल डज नॉट सीम राइट, सॉरी ओनली पीडीएफ फाइल आर अलाउड, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ फाइल अलाउ है, तो मैं सबसे पहले इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूँगा, इसके बाद ये अपलोड कर दूँगा। अपलोड करने के बाद आपको सिंपल सा बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे जब आप पीडीएफ फाइल अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे बाय ऑन 3 मंथ ईएमआई, ठीक है। तो यहाँ पे आप तीनों चारों में से आप तीनों सॉरी तीनों ऑप्शन में से आपको जो भी मिल जाएगा, जो भी आप परचेज करना चाहते हैं 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, तो सिंपल सा उस पर क्या करना, क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जिस तरीके से आप फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करते हो अपना एड्रेस दे के, सेम उसी तरीके से आपको ऑर्डर करना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लेना है। तो गाइजर इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन को लोन पे परचेज कर सकते हो। तो गाइजर आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो गाइजर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।